हेलो स्टूडेंट्स, हम नॉमनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को आगे बढ़ाते हुए आज नॉमनक्लेचर ऑफ डाइन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डाइन्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनमें सेतुबंध युक्त बंधन होता है, दूसरे वो होते हैं जिनमें धातु धातु बंधयुक्त बंधन होता है। इनका किस तरह से नॉमनक्लेचर किया जाता है ये अपन एक एक करके देखते हैं। पहले हम सेतुबंध कंपाउंड्स लेते हैं। सेतुबंध का मतलब है इनके अंदर ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं। इनमें जो बॉन्डिंग है वो किसके माध्यम से है? ब्रिजिंग लिगेंड के माध्यम से है। अब देखो, ब्रिजिंग लिगेंड जो मेटल के साथ में होती है वो भी दो तरह से हो सकती है। एक तो होते हैं सिमेट्रिक ब्रिजिंग लिगेंड और दूसरे होते हैं एसिमेट्रिक ब्रिजिंग लिगेंड। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि मेटल के दोनों तरफ, मतलब ब्रिजिंग लिगेंड के दोनों तरफ समान तरह समान एंटिटी लगी हुई है, और एसिमेट्रिक में अलग अलग एंटिटी हो सकती है। तो ये अपन अब एक एक करके लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले ले रहे हैं ब्रिजिंग सिमेट्रिक ब्रिजिंग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस, वो कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर लिगेंड कैसे हैं, ब्रिजिंग हैं लेकिन सिमेट्रिक हैं। अब देखो, ब्रिजिंग लिगेंड दोनों तरफ एक जैसे लगे हुए हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक ब्रिजिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। अब इसका नामकरण करना हो तो हम सबसे पहले तो म्यू लगाएंगे, क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड के लिए म्यू लिखा जाता है। फिर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम उस एंटिटी की संख्या को लिखेंगे। संख्या लिखने के लिए प्रीफिक्स हम लगाएंगे, यदि एक है तो दो है तो उस हिसाब से, और तीन मतलब डाई ट्राई आदि अपन प्रीफिक्स लगा करके इसको लिखते हैं, और फिर उस एंटिटी का पूरा नाम लिख देते हैं। अब इसको अपन समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं तो उससे आपको क्लियर होगा। अब देखो, मॉलिक्यूल में यदि एक ही ब्रिजिंग लिगेंड है तो उसके नामकरण में हम सबसे पहले म्यू फिर ब्रिजिंग लिगेंड को लिखेंगे, कौन सा ब्रिजिंग लिगेंड है, और बाकी उसके बाद में उपस्थित अन्य लिगेंड्स को लिखेंगे, ठीक है। अब इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया, इसके अंदर देखो दो धातु परमाणु ब्रिजिंग लिगेंड से जुड़े हुए हैं जो कि OH है और संख्या में एक ही है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ समान रूप से एमीन के पांच पांच मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्रोमियम के साथ में हम एमीन समूह लगा करके इसके होल ट्वाइस कर दिया, और बाद में ब्रिजिंग लिगेंड लिख करके बाहर वाले क्लोराइड आयन को दिखाया गया। तो इसका नाम हम कैसे देंगे? देखो, ब्रिजिंग लिगेंड है इसमें, इसलिए सबसे पहले म्यू, उसके बाद कौन सा ब्रिजिंग लिगेंड है? OH, तो हाइड्रोक्सो। तो म्यू हाइड्रोक्सो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिजिंग लिगेंड को। चूँकि ये संख्या में दोनों तरफ है इसलिए इसको बिस एंटिटी जो लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है? एक जैसी दो लगी हुई है, इसलिए उनकी संख्या लिखेंगे बिस। अब इस एंटिटी का नामकरण करेंगे। अब बिस एंटिटी में क्या है? पेंटा एमीन, पांच एमीन समूह दिख रहे हैं, तो पेंटा एमीन क्रोमियम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाद में बाहर ये Cl5 है तो इसके लिए इसको हम क्लोराइड लिख देंगे। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हुआ? म्यू हाइड्रोक्सो बिस पेंटा एमीन क्रोमियम क्लोराइड। आई आपको बात समझ में? अब हम नेक्स्ट लेते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा एक ही तरह के ब्रिजिंग लिगेंड लगे हुए हैं। उस स्थिति में हम म्यू लिखने से पहले ब्रिजिंग लिगेंड की संख्या को लिखते हैं, प्रीफिक्स लगाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा जैसे भी संख्या में वो लिगेंड उपस्थित है उस हिसाब से लिखते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर। ये देखो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है,
जिसमें प्लेटिनम के दो धातु परमाणु दो क्लोरीन क्लोराइड ब्रिजिंग लिगेंड से जुड़े हुए हैं। इस प्लेटिनम के ब्रिजिंग लिगेंड के अलावा एक एक क्लोरो लिगेंड और जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके साथ में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। तो अब हम इसका नाम कैसे देंगे? अब हम इसका नाम देंगे, अब ये चूंकि देखो संख्या में दो ब्रिजिंग लिगेंड है, तो इनका हमको पहले प्रीफिक्स लगाना है इनकी संख्या का। तो कितने हैं? दो हैं, तो डाई फिर ब्रिजिंग लिगेंड म्यू क्लोरो, डाई म्यू क्लोरो, दोनों तरफ दो एंटिटी जुड़ी हुई है इसलिए बिस, फिर क्लोरो, इसके बाद क्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन प्लैटिनम टू। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमने किया। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसके अंदर धातु परमाणु को जोड़ने वाले ब्रिजिंग लिगेंड की संख्या कितनी है? तीन है। ये दिखाई दे रहा है आपको 1 2 3, तीन इसमें कार्बोनिल ब्रिजिंग लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम अपन करते चलते हैं साथ साथ, ट्राई म्यू कार्बोनिल, क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड कौन से हैं? कार्बोनिल। फिर दोनों तरफ धातु परमाणु के क्या जुड़े हुए हैं? कार्बोनिल के तीन तीन मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो ट्राई म्यू कार्बोनिल बिस, ट्राई कार्बोनिल तीन है इस संख्या में इसलिए ट्राई कार्बोनिल आयरन जीरो। अब यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो क्यों है? क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की विशेष प्रॉपर्टी होती है कि वो पाई लिगेंड्स के साथ में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है, यदि ब्रिजिंग लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा आदि आता है तो इसकी संख्या में हम कैसे इसको लिख सकते हैं? तो उस स्थिति में हमको इनकी संख्या दिखाने के लिए बिस ट्रिस आदि प्रीफिक्स का यूज़ करना पड़ता है। अब अपन इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखो दो आयरन परमाणु किससे जुड़े हुए हैं? दो ब्रिजिंग लिगेंड से जुड़े हुए हैं। इसका नाम है डाइफिनाइल फॉस्फिडो। अब देखो चूंकि इस ब्रिजिंग लिगेंड के नाम के अंदर ही डाइफिनाइल आ रहा है, इसकी संख्या बताने के लिए इसको इसका नाम ही डाइफिनाइल है, तो अब हम इसकी संख्या बताएंगे तो क्या करेंगे? तो हम बिस लगाएंगे। तो अब साथ साथ नाम देखते चलिए, बिस म्यू डाइफिनाइल फॉस्फिडो, बिस, वापस बिस क्यों लगाया? क्योंकि दोनों तरफ समान एंटिटी जुड़ी हुई है, बिस डाई नाइट्रोसिल आयरन जीरो। यहाँ पर एनो जो नाइट्रोसिल लिगेंड है वो भी पाई लिगेंड होने की वजह से यहाँ धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नेक्स्ट टाइप की ब्रिजिंग होती है जब कोई ब्रिजिंग लिगेंड दो से ज़्यादा धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है। अभी इनमें तो आपने देखा ना कि ब्रिजिंग लिगेंड दो धातु परमाणुओं से जुड़ा है ऊपर वालों में, लेकिन अब अपन देखते हैं एग्जांपल, जब कोई ब्रिजिंग लिगेंड दो से अधिक धातु परमाणु से जुड़ा हो तो उस केस में हम म्यू थ्री म्यू फोर आदि का उपयोग करते हैं। इसको समझने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं, एक सल्फर एटम है इसके साथ में चार ब्रिजिंग लिगेंड जुड़े हुए हैं जो कि कौन से हैं? मिथाइल मरकरी, ठीक है। अब इसका नाम अपन देंगे, चूंकि चार तरफ से ब्रिजिंग लिगेंड से जुड़ा हुआ है सल्फर एटम तो उसकी संख्या बताएंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू फोर थायो टेट्राकिस। टेट्राकिस किसके लिए आया है? चार ब्रिजिंग लिगेंड के लिए, सल्फर चार ब्रिजिंग लिगेंड से जुड़ा हुआ है तो म्यू फोर थायो टेट्राकिस
मिथाइल मरकरी, टू इसकी ऑक्सीडेशन नंबर टू, और चूंकि इस एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है इसलिए इसको आयन लिखेंगे, म्यू फोर थायो टेट्राक्रिस मिथाइल मरकरी टू आयन। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखो आपने पहले डाई न्यूक्लियर देखा, फिर आपने चार ब्रिजिंग लिगेंड वाला एग्जांपल देखा, अब अपन देखते हैं पॉलीमेरिक चेन यदि है किसी कॉम्प्लेक्स में तो उसका नाम जब हम लिखेंगे तो हम पहले कैटीना लगाएंगे। जैसे आप म्यू लिखते हो ना, तो म्यू लिखने से पहले कैटीना लगाओगे। कैटीना का मतलब क्या हुआ कि ये पॉलीमेरिक चेन है, ठीक है। अब इस कैटीना म्यू प्रीफिक्स को लगाने के बाद हम बाकी लिगेंड्स का नामकरण इस प्रकार से करते हैं। देखो यहाँ पैलेडियम की चेन चलती जा रही है जो कि दो क्लोरो एटम से, क्लोरो लिगेंड से जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या नाम हम देंगे, म्यू कैटीना, कैटीना पहले कैटीना लगाएंगे, कैटीना पॉली क्योंकि कई सारे हैं, फिर ब्रिजिंग किसके द्वारा हो रही है, क्लोरो लिगेंड के द्वारा हो रही है और दो क्लोरो के द्वारा हो रही है, इसलिए ब्रिजिंग लिगेंड लिखने के लिए पहले अपन जैसे पहले नियम था उसी नियम के अनुसार पहले म्यू लगाएंगे, उसके बाद दो क्लोरो लिगेंड जुड़े हुए हैं इसलिए डाई क्लोरो लिखेंगे, और पैलेडियम धातु जो कि टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, कैटीना पॉली म्यू डाई क्लोरो पैलेडियम। तो ये थे सिमेट्रिक ब्रिजिंग लिगेंड्स के नॉमनक्लेचर के एग्जांपल। अब अपन एसिमेट्रिक ब्रिजिंग वाले कंपाउंड्स का नॉमनक्लेचर करते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिक ब्रिजिंग लिगेंड के कंपाउंड्स को अपन अब देखते हैं। अब देखो इनका नॉमनक्लेचर करते समय हमको अल्फाबेटिकली लिगेंड्स को लिखना पड़ता है और उसके बाद हम मेटल को मेंशन करते हैं। इसमें ऐसे नहीं है कि हम पहले ब्रिजिंग लिगेंड को लिखेंगे, नो, इसमें हमको लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली नॉमनक्लेचर करना पड़ता है। अब देखो जैसे ये तुम एग्जांपल देख रहे हो, ये देखो दो कोबाल्ट धातु परमाणु ब्रिजिंग लिगेंड से जुड़े हुए हैं, एक तरफ तो एमीन है, एमिनो है, और दूसरी तरफ हाइपरऑक्सो है। दोनों कोबाल्ट के दोनों तरफ एमीन समूह लगे हुए हैं, एक तरफ संख्या चार है, एक तरफ दो है, यानी ये एसिमेट्रिक है। जहाँ दो है वहाँ पर दो संयोजकता किससे पूरी हो रही है, क्लोरोलिगेंड से पूरी हो रही है। ये प्राइमरी वैलेंसी की जगह सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी वैलेंसी वाले बाहर हैं और सेकेंडरी वैलेंसी से ये दो क्लोरोलिगेंड भी जुड़े हुए हैं। अब हम इसका नाम कैसे देंगे, सबसे पहले हम ब्रिजिंग लिगेंड को शो करेंगे। ब्रिजिंग लिगेंड कौन सा है, अल्फाबेटिकली देखेंगे तो एमिनो भी है और हाइपरऑक्सो भी है, तो एमिनो पहले आएगा, तो म्यू एमिनो, म्यू एमिनो, उसके बाद हाइपरऑक्सो से पहले क्या आता है, एमीन आता है। एमीन कितने हैं, तीन, चार इधर हैं और दो इधर हैं, तो छः हो गए, तो एक साथ लिख सकते हैं हम इनको, तो म्यू एमिनो हेक्सा एमीन डाई क्लोरो, यहाँ दो क्लोरो है ना, डाई क्लोरो। अब आएगा ये, अब वापस ब्रिजिंग लिगेंड को लिखना है तो म्यू लगाना पड़ेगा, म्यू हाइपरऑक्सो डाई कोबाल्ट थ्री क्लोराइड। बिल्कुल रूल्स वही हैं सारे, लेकिन हमें एसिमेट्रिक ब्रिजिंग लिगेंड में क्या ध्यान रखना है कि लिगेंड्स का नाम हमको अल्फाबेटिकली लिखना है, ना कि पहले की तरह ब्रिजिंग लिगेंड का नाम पहले देना है। तो ये थे कॉम्प्लेक्सेस वो जिनके अंदर ब्रिजिंग लिगेंड्स के द्वारा बॉन्डिंग होती है धातु परमाणु से। अब अपन दूसरे प्रकार के देखते हैं जिनके अंदर धातु धातु बंधयुक्त कंपाउंड होता है।
अब जब हम इन कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। वो बातें क्या हैं? फर्स्ट है, मेटल मेटल बॉन्डेड मॉलिक्यूल यदि सिमेट्रिक है तो उसके नाम के पहले हमको ग्रीक अंकों की प्रीफिक्स लगानी पड़ती है। कैसे? जैसे ये हुआ, यहाँ देखो दो धातु परमाणु धात्विक बंध से जुड़े हुए हैं और दोनों के पास कार्बोनिल समूह पाँच पाँच की संख्या में लगे हुए हैं, तो इसका नाम सिमेट्रिक हो गया ये। अब इसका नाम बहुत सिंपल है, क्योंकि मैग्नीज के साथ दोनों तरफ समान एंटिटी जुड़ी हुई है इसलिए ये सिमेट्रिक हो गया। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? दो हैं इसलिए बिस लगा देंगे, पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज, बिस पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज। नेक्स्ट आता है, यदि मेटल मेटल बॉन्डेड ब्रिजिंग लिगेंड वाले मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है मतलब अलग अलग तरह की एंटिटी जुड़ी हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? एक लिगेंड युक्त सेंट्रल एटम, एक लिगेंड युक्त सेंट्रल मेटल एटम को हम लिगेंड की तरह मानते हैं और दूसरे को सिंपल सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ एटम मान लेते हैं। अब देखो दोनों मेटल एटम से प्राइमरीली किसको हम वेटेज देंगे ये देखने वाली बात है। तो हम प्राथमिक धातु उस एटम को मानते हैं जो धातुओं के प्रायोरिटी ऑर्डर में अधिक प्रायोरिटी वाली होती है। अब यदि अपन पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म देखेंगे तो ग्रुप 17 से ग्रुप 1 की ओर जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो धातुएं जिस ऑर्डर में होती हैं वही उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। यानी कि जब हम ग्रुप 17 हेलोजन से लेकर के हम एल्कली मेटल की तरफ ऊपर से नीचे चलते हैं तो ये देखो जिस तरह एरो बना है उसी तरह आप चलते जा रहे हो। इस एरो को अपन देखते जाएंगे, एरो की डायरेक्शन देखो, ये यहाँ से दिखा रखी है ये एरो की डायरेक्शन, ये आई हेलोजन्स में होते हुए ऐसे घूम गई और फिर ये ऑक्सीजन सल्फर से होते हुए पोलोनियम से वापस ऊपर चढ़ गई, फिर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक इस तरह से। यानी कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं इन धातुओं का प्रायिकता ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, तो जो कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाएगा वो बढ़ते हुए प्रायोरिटी में इंक्रीज मतलब प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा है उस धातु का कॉम्प्लेक्स जाना जाएगा, बाकी दूसरा जो उसके साथ में धातु परमाणु जुड़ा हुआ है उसको लिगेंड के साथ में मिलाकर नाम देते हैं। तो इसका अब एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो आपको नाम समझ में आएगा। देखो ये एग्जाम्पल है जो कि कोबाल्ट और रीनियम के बीच में मेटल मेटल बॉन्डिंग को शो कर रहा है। ये एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि एक तरफ कोबाल्ट के चार कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ इसके पांच कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की तुलना में रीनियम का प्रायोरिटी ऑर्डर अधिक है। आप यदि उस लॉन्ग फॉर्म को देखोगे ना पीरियोडिक टेबल वाली तो आपको पता लगेगा कि रीनियम की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको किसका कौन सी धातु का कॉम्प्लेक्स मानेंगे? रीनियम धातु का कॉम्प्लेक्स मानेंगे। तो उस तरह से इसका नाम देंगे तो क्या नाम होगा इसका? पेंटा कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो रीनियम। अब देखो यहाँ हमने पेंटा कार्बोनिल तो हमने इसके साथ में इसको ले लिया, ठीक है। अब ये वाली जो ये वाला पोर्शन है जो जिसमें कोबाल्ट के साथ चार कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं तो इसको हम पूरा एक लिगेंड मानेंगे। यानी रीनियम के साथ एक तो लिगेंड जुड़े हुए हैं कार्बोनिल के पांच मॉलिक्यूल्स और दूसरी तरफ ये जुड़े हुए हैं टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो, ये एक लिगेंड के रूप में नाम दिया जाएगा, तो टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो रीनियम। तो इसका नाम क्या हुआ? पेंटा कार्बोनिल
टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो रीनियम इसका नाम हुआ। तो इस तरह से इस एसिमेट्रिक मेटल मेटल ब्रिजिंग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस का नॉमनक्लेचर किया जाता है। उम्मीद है आपको ये पार्ट नॉमनक्लेचर का समझ में आया होगा। इसके साथ हमारा नॉमनक्लेचर कंप्लीट हो गया। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।